इन पूरे दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है समुद्र मंथन। ठीक है, चाहे वो धनवंतरी त्रयोदशी जिसको आप लोग बोलते हैं धनतेरस, है ना, उसका एक्चुअल में पूरा नाम उसका हो गया धनवंतरी त्रयोदशी। आप चाहे उसकी बात करें चाहे लक्ष्मी पूजन की बात करें, ये सब के सब आपके समुद्र मंथन से जुड़े हुए हैं। तो समुद्र मंथन में जैसे आप पता होगा कि अलग अलग हमारे कितने तरीके के रत्न निकले थे, किसी को आइडिया है समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले? 14 तरीके के हमारे रत्न निकलते हैं समुद्र मंथन से। ठीक है, और ये 14 के 14 रत्न समझने लायक हैं, है ना। इनमें 14 में से एक आप उसमें धन्वंतरी आते हैं जो अपने हाथ में अमृत कलश लेके प्रकट होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल हमारा एंड जिसके लिए तो पूरा समुद्र मंथन किया जा रहा था। ठीक है, तो वो धन्वंतरी त्रयोदशी है ना, तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी तिथि वाले दिन इसको हम लोग करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होगी यहाँ पर? त्रयोदशी। अब धन्वंतरी जयंती इसको बोल लीजिए या धन त्रयोदशी उसको बोलते हैं, धनतेरस बोलते हैं, और कुछ लोग इसको इस सेम दिन को यम दीपम के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग नाम है इसमें। ठीक है, तो ये धन्वंतरी का जो अवतरण है ये मैंने आपको बताया कि ये आपको समुद्र मंथन से इसे में लिंक मिलता है, अमृत कलश लेके निकले हैं, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आयुर्वेदा का जो पूरा ज्ञान है वो हमें इनसे मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग अगर अमृत है तो ये हमारे लिए इक्वली अमृत जैसे ही है ना, इसलिए दिन इम्पोर्टेंट है। बट ये दिन जो मेनली पहले सेलिब्रेट होता था सिर्फ वैद्यों के बीच में, इसका ज्यादा ओके होता था, जो वैद्य डॉक्टर्स होते थे पुराने टाइम के ना, वो लोग इसको बहुत बड़ा तरीके से सेलिब्रेट होता था। दीपावली से बड़ा फेस्टिवल है उनके लिए, है ना। तो समझ सकते हैं कि जो लोग इस प्रोफेशन में हैं डॉक्टर्स स्पेशली वैद्य, उनके लिए दिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है रेमेडीज के लिए हम क्या कर सकते हैं ना। तो बीइंग अ ज्योतिषी ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयुर्वेदा का यहाँ सिर्फ हम ये मतलब नहीं निकालेंगे कि कोई हर्ब्स या कोई जड़ी बूटी कुछ मिल जाए तो ही हम वैद्य हैं। ठीक है, आप लोग भी वैद्य के बराबर ही है ना, आप लोग भी एक तरीके से हीलर्स ही हैं, आप भी लोगों को ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या जो भी है, पर अपने लेवल पे आप लोग भी काम करते हैं। कल को आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आयुर्ज्योतिष में आप आए और वहां पर आप रत्न चिकित्सा, ठीक है, या नक्षत्र ग्रहों के अकॉर्डिंग आप सजेस्ट कर रहे हैं ये सब, तो आप भी यहाँ इस एरिया में आपका आपका भी एंट्री है, इसलिए हमारे लिए भी ये दिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ सोने चांदी गहने खरीद के बर्तन चम्मच खरीद के इस दिन को नहीं बिताना है। ठीक है, हमारे लिए इतना ही नहीं है, सबसे अच्छा है आप सबसे पहली चीज कि अगर आप कोई मेडिसिन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने कोई प्लान करके रखा, इवन आजकल क्या करते हैं लोग, डाइट डाइट फॉलो करते हैं, है ना, डाइट कुछ शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्लान है उस दिन से शुरू करें। ठीक है, उससे अच्छा दिन नहीं हो सकता, कोई मुहूर्त नहीं निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं। ठीक है, त्रयोदशी का दिन है, उस दिन किसी भी टाइम आप लोग स्टार्ट करें, पहला। दूसरा बेस्ट रेमेडी जो इस दिन की हो सकती है, चाहे वो ज्योतिषी हो चाहे कोई भी हो, आप भी अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि इस दिन मेडिसिन आप लोग डोनेट करें। ठीक है, मेडिसिन अगर मैं बोलूँ तो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, है ना। कोई अगर आपको मिल गया ऐसा पर्सन की जिसको एलोपैथिक मेडिसिन की ही जरूरत है तो उसको जबरदस्ती आयुर्वेदिक नहीं दे देना है। ठीक है, उसको जरूरत है उसको वो दो, चाहे आयुर्वेदा है चाहे होम्योपैथी है, हालांकि सभी ये चीज हीलिंग से जुड़ी है तो हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं है इसमें, जिससे जिसको जो फायदा होता है उसको वो चीज देंगे। ठीक है, बट मेजरली हमारा फोकस रहेगा फॉर दी प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, ये दिन इसी के लिए ही है। देखो, तो हम हिंदू कल्चर में जो भी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वो एक तरह के समझो कि हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो
अब वो गोल्ड खरीदने का जो चलन स्टार्ट हुआ वो तो गोल्ड इंडस्ट्री प्रमोट हुई, अपने मतलब ज्वेलर्स लोग अपना चला रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, जैसे दिवाली के दिन नजदीक आते हैं, दिवाली का तो पता नहीं बट धनतेरस का जरूर प्रमोशन हो रहा है, इनडायरेक्टली धनतेरस का ही प्रमोट होता है वहां पे ना, दिवाली का गोल्ड वोल्ड इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमारे ज्वेलरों की एकदम चांदी रहती है, मस्त चल रहा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ थोड़ा जी सर, वैद्यों का भी काम बनने दो, है ना, उस दिन वैद्य से परामर्श लीजिए, ठीक है, अगर उस दिन वो कंसल्टेशन करते हैं तो, है ना, कि बहुत लोग करते नहीं है उस दिन, अगर मैंने देखा है बहुत लोग ठीक कलाओ है, तो आप लोग जनरल एक हेल्थ चेकअप वगैरह उस दिन आप कराइए, ठीक है, वैद्यों को सम्मान देना है ना, पंडित जी घर बुला के भोजन करा कर दक्षिणा देते हैं, सेम ऐसे ही वैद्यों को दीजिए, है ना, ये रियल पूजा है ना, आपके लिए जो जीता है आपके धन्वंतरी है ना वो वही है, धन्वंतरी की फोटो रख के पूजा करना एक अलग बात है, बट जो जीते जागते धन्वंतरी हैं तो उनको हम लोग नहीं करते हैं, समझे, तो ये दिन का इम्पोर्टेंस ये है, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मूर्ति स्थापित करना है पूजा करना है, वो तो रिचुअल है वो कर रहे हैं आप लोग ऑलरेडी, वो भी हार्डली कोई कर रहा है ऐसा मुझे जहां तक मुझे लगता है ना, सब वो बर्तन और झाड़ू वो सब खरीदने में बिजी है, ठीक है, तो इस बार थोड़ा नया करें, ठीक है, मेडिसिन डोनेट करें, ठीक है, कोई अच्छी ऐसी मेडिसिन लीजिए जो यूनिवर्सल मेडिसिन हो जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसी चीजें डोनेट कर सकते हो, है ना, त्रिफला चूर्ण हो गया, है ना, च्यवनप्राश हो गए, है ना, ये सब आप खरीद के रखिए, इसको आप डोनेट करिए, अपने मेरे को दीजिए, मैंने बाकी लोगों को ये दिए दीजिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि इसी दिन आपके धन्वंतरी त्रयोदशी वाले दिन ही, है ना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल, देखिए प्रदोष काल की इंपॉर्टेंस है सब दिनों में, यहाँ पे प्रदोष काल का मतलब क्या है सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप रफली अब ये समझो कि सूर्यास्त जब होता है ना उसे 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो पूरा समय है ये हम लोग प्रदोष में हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, मोटे मोटे रफली अब 2 घंटा मान के चलो आप, ये पूरा जो समय है इस समय प्रदोष का है, तो उस समय हम लोग धन्वंतरी जयंती वाले दिन ही एक और रिचुअल है जो कर सकते हैं ना, वो यम के लिए हम लोग करते हैं, वो आई थिंक सब लोग करते भी हैं आज का टाइम पे, है ना, तो उनके लिए दीप दान है ना और नैवेद्य का एक रिचुअल है, अब ये देखिए ये ना ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट ही वेरी करेगा ना, हो सकता है नॉर्थ में एक अलग तरीके से करते हैं, ईस्ट में अलग है, साउथ में अलग तरीके से इसको करते हैं, बट अब ये दिन आपके नाम से आप आपको समझ में आ रहा होगा उस दिन आपको क्या करना है, मैं तो दीपदान जब हम बोलते हैं तो दीपदान आप में से पहले किसी ने किया है या ये करते हैं आप लोग इस दिन, सर नहीं करते हैं, जरा बता भी दीजिए, हम नहीं साउथ में आ गए, अब तो हम साउथ वाले हो गए, हैदराबाद में हैं तो हम कर सकते हैं। करते हैं सर, हाँ सर करते यहाँ पे करते हैं सर, हैं तो क्या आप लोग क्या करते हैं, हैं। सर वो 14 प्रदीप डाल के मतलब डिफरेंट डेटी को उत्सव करते हैं, ऐसे करते हैं सर। 14 14 दीपक, हाँ, 14 दीपक डिफरेंट 14 डेटी को जाते हैं, उसमें पितृ पुरुष भी है, यम है और कुछ कुछ है वो पता नहीं सर, ये जला के ऐसे करते हैं सर। ठीक है, कोई और आप लोग किसी और के यहाँ, गुलशन जी आपके यहाँ पर सर यही सेम यही करते हैं, 14 दीपक जलाते हैं सर। ठीक है, एक तो ये हो गया 14 दीपक वाला, ठीक है, दूसरा ना आपको अभी मार्केट में आपको ना एक एक दिए मिलेंगे जो जिनके 4 मुख वाले दिए होते हैं, ठीक है, ये आपको अभी मार्केट में मिलेंगे, बिक रहे हैं अभी ना, तो ये दीपक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, इनको ये 4 मुख वाला दिए मतलब 4 डायरेक्शन में ऐसे रहते हैं तो उसमें आपको दिए जलाने होते हैं, ठीक है, अभी 14 वाला सिस्टम जो है आप या तो ये करो, ठीक है, अगर आपको पूरा रिचुअल पता है तो, ठीक है, अभी इतना डिटेल में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा इसमें, तो ये कर लो, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट एक दिया जरूर जलाएं और इसको पूरे घर में घुमाएं, ठीक है, हर कमरे में इसको लेके जाएंगे, बालकनी वालकनी हर जगह ना, मतलब बेडरूम किचन इसको ऐसे रख के बाद में फिर आप इसे घर के, मस्टर्ड हाँ ऑयल डालकर, आई थिंक जी मस्टर्ड ऑयल, राइट, मस्टर्ड ऑयल वाला। हाँ, मस्टर्ड ऑयल में इसको रख के फिर आप इसे घर के बाहर भी इसको आप दीपक को रख सकते हैं,
एक तो ये हो गया सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन, ठीक है। अगर दीपदान ये भी आप नहीं करते, फिर जो मैंने मेडिसिन वाला बताया वो तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। वो कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है, प्रिपरेशन आपको चाहिए, वो आप एक दिन पहले भी आप मेडिसिन लेके रख लिया, सेम डे भी आप खरीद के आप दाम दे सकते, ये हो पाएगा, ऐसा हमें करना है, ठीक है सर। ये सर ये त्रयोदशी के दिन करना है, मतलब 13 दिन उसी दिन के करना है ना सर? उसी दिन करना है ना। अब बात आती है कि ये हम लोग किस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, 29th को। हालांकि देखिए इस बार ना थोड़ा इसमें 29 और 30, ठीक है, 29 और 30, त्रयोदशी हमारे 29th को भी है, 30th मॉर्निंग को भी पड़ेगा, तो टेक्निकली ये हमारा 30th को ही हमारा सेलिब्रेशन हमारा होना चाहिए। मैं एक बात बोलूं सर, अगर हम पंचांग के रूल से चलें तो सर जो उदय काल की तिथि होती है, जो सूर्य उदय काल में जो तिथि होती है, तिथि वो ही मानी जाती है सर, चाहे वो 2 ही घंटे में खत्म हो रही हो, लेकिन फिर भी पूरे दिन के लिए तिथि वो ही मानी जाएगी। तो 30th पड़ गया ना वो, तो फिर यस अच्छे तुम डायो। तो मैंने वही बोला कि इसलिए 2 दिन का हमारा ये बनता है, ठीक है। तो जनरली आपको हर जगह जो मिलेगा ना वो 29th का आपको मिलता है लिखा हुआ, ठीक है। बट टेक्निकली हमको वो चीज 30th को ही सेलिब्रेट हमको करनी चाहिए, पहला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मैं जो करूंगा अपना पर्सनल जो मैं बता रहा हूँ है ना, बाकी क्या करेंगे उनके डिपेंड करता है, मैं इसको 30th को ही करूंगा इसको, ठीक है। अभी देखो यहां से ना ये चीज आपको समझनी पड़ेंगी कि फेस्टिवल्स जो हम मनाते हैं ना, तो 2 तरीके के फेस्टिवल्स हैं। एक फेस्टिवल वो जिसमें देखो हर हर फेस्टिवल में तिथि इम्पोर्टेंट है, ये बात सब मानते हो, ठीक है। सब तिथि से जुड़ा हुआ है, चाहे रामनवमी है, विजयदशमी है ना, सब कुछ तिथि से है। धन्वंतरी त्रयोदशी ये भी तिथि है, त्रयोदशी है तभी हमें पता है कि धन्वंतरी जयंती किस दिन मनाई जाएगी, करेक्ट। अब रूल ये बोलता है कि उसमें भी देखो पंचांग में भी ना 2 तरीके के पंचांग आपको मिलेंगे। एक जो ये सिस्टम फॉलो करते हैं कि जब सूर्योदय होता है, ठीक है, सूर्योदय के टाइम पे जो भी तिथि एग्जिस्ट करेगी वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है, ठीक है। ये रूल है, इसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते, और यही रूल हर जगह चलता है। जो पंचांग जो पहले से ही लिख के गए हैं ना, 2-10 साल पहले ही पंचांग लिखे गए ना, वो सब यही रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको अभी 31st और 1st का डिफरेंस समझ में आया ना, यहाँ ये भी एक कारण बनता है। बट दूसरा इसमें एक नियम ये भी होता है कि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं तिथि बेस्ड है ना, ये बहुत बार होते हैं जिसमें रात का इंपॉर्टेंस होता है ना, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें दिन का इंपॉर्टेंस होता है। तो रात का इंपॉर्टेंस का मतलब कि रात में वो तिथि एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, और दिन का इंपॉर्टेंस का मतलब कि वो दिन में वो तिथि एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट दोनों का बेस वहां सूर्योदय ही रहेगा। तो रात की भी हम बात करते हैं तब भी तो सूर्योदय ही हम काउंट करेंगे, सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक दिन पूरा हम लोग लेते हैं, तो उसमें वो चीज वो नहीं है। तो लोग जब इस पर डिबेट करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि रात का फेस्टिवल है, रात में जो तिथि होगी वो हम लोग लेंगे। अगर वही रूल अगर ले रहे हैं तो फिर सभी के लिए ये रूल अप्लाई करें, सर तो सबके लिए नहीं करते हो वो, सहूलियत के अकॉर्डिंग इनको ये फेस्टिवल आज 31 को मनाना है तो आज वो रूल अप्लाई कर लिया, अभी वो था जन्माष्टमी में, अगले दिन वो रूल चेंज आएगा, फिर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक नियम है, नियम ये है कि सूर्योदय के टाइम पे जो भी तिथि एग्जिस्ट करेगी पूरे दिन वो तिथि मानी जाती है, ठीक है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सच, ठीक है। अब कुछ प्रांतों में या कुछ समुदाय में, कुछ कम्युनिटीज में या कुछ सेक्ट में, जैसे वैष्णव हो गए इन सब में ना, तो ये इनमें अपने अपने थोड़े नियम हैं, ठीक है। तो वो नियम जो लोकल नियम है वो आप लोग फॉलो करें। ये जो फेस्टिवल जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूनिवर्सली हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा जो आपके उसमें लोकल में जो किया जाता है उसको नहीं छोड़ना है, वो करना है, ठीक है। तो उसमें कोई आपको फेरबदल नहीं करना है, ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 29th का दिन आपको मेंशन मिल जाएगा हर जगह पे, हो सकता है इंटरनेट 29th लिखा हो है ना, पर टेक्निकली हमको ये चीज 30th को ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो त्रयोदशी हमारी 30th को पढ़नी है, इसलिए हम लोग उस दिन वो करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं कि एक्सक्यूज मी सॉरी सर, बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं डॉक्टर अविराज हूँ। मैं बेसिकली हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर, शिमोगा से, कर्नाटक से।
देंगे आयुर्वेद डॉक्टर, आयुर्वेद वैद्य। राष्ट्रीय जो आयुर्वेद दिनाचरण मनाता है, पिछले 8 साल से कर रहा है, इस साल 9वां साल है बना रहा है, वो 29 को ही कर रहा है सर हर जगह। तो को गवर्नमेंट इंडिया ने भी वही दिन को चुन के मना रहा है हर जगह। हमारा कॉलेज में आयुर्वेद कॉलेज में, मैं एक्चुअली आयुर्वेद कॉलेज में, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में है शिवमोगा से, वही 29 को ही मना रहा है। ऐसा कुछ है, मगर जो मैडम ने अभी अभी बताया, जो उदय तिथि मानता है, जो साउथ लोग हम सूर्योदय की बाद ही तिथि को मानते हैं, ऐसे ही हर फेस्टिवल को मनाता है। तो ये आपको कुछ जानकारी देना था बस। नहीं, सही, अच्छी बात है। देखिए, हमारे सेशन में डॉक्टर भी हैं, है ना, वैद्य। ठीक है, तो ये तो अच्छा निमित्त है हमारे लिए। तो एटलीस्ट इस साल से जो लोग धन्वंतरि जयंती नहीं मना रहे ना, वो आप शुरू करो। ठीक है, ये निमित्त है हमारे लिए डॉक्टर साहब। ठीक है, दूसरी, अच्छा अभी की ठीक है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 29th को फेस्टिवल कर रहे हैं, वो इट्स है ना, हम लेके चले, कोई इशू नहीं है। बट हम क्या है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज्योतिष। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बाकी क्या बोल रहा है, ये ठीक है अपना। वो लोग आपको छुट्टी मिल गई, सेलिब्रेट करेंगे उस दिन, अच्छी बात है। ठीक है, आप कॉलेज में सेलिब्रेट करिए, सब सही है ना। बट ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात आप खुद भी बोल रहे हैं कि सूर्योदय के टाइम पे जो होगा हम लोग उसको लेते हैं, तो वो टेक्निकली सूर्योदय के टाइम पे नेक्स्ट डे ही पड़ने वाला है। ठीक है, तो कोई हार्म नहीं है कि 29th को भी कर लो, 30th को भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना, दोनों के दोनों दिन करो, है ना। तो हमारे लिए कोई इशू नहीं। हम ये जो मेडिसिन है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हम 29th को भी डोनेट करेंगे, 30th को भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो पॉइंट है इसमें, एक तो आपने ये बताया कि जो मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं जनरली विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ये त्रिफला एक बार बताया था नाम, वो स्किप हो गया। चौनप्रास, त्रिफला है ना, चौनप्राश हो, चौनप्राश। चौनप्राश, राइट, आंवला ले लेना 10 किलो डोनेट कराना। हाँ आंवला ले लेना। ले सकते हैं, है ना, आंवला ले सकते हैं, वो भी अच्छा। और डॉक्टर रविराज जी हैं यहाँ पर, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे कि ऐसा कौन से मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती हाँ जनरली। सर, वो आमलकी दे सकते हैं, आमलकी को रसायन बोलते हैं आयुर्वेद में, आप दे सकते हैं सर आमलकी। त्रिफला सर बोल रहे हैं, अरिटकी आमलकी भी तकी रहता है उसमें, उसको त्रिफला कहता है आयुर्वेद में, वो भी डोनेट कर सकता है। राइट सर, ओ कर सकते हैं। और ठीक थोड़ा क्या है कि अभी आज है 26, ठीक है, अभी टाइम है आप सबके पास। ठीक है, अभी देखो क्या है कि आपको R&D करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर डिटेल में तो इसमें नहीं जाऊंगा। जैसे मान के चलो कि आपके चार्ट में अगर मर्करी एफ्लिक्टेड है, बोथ, ठीक है, तो अब इसको आप कैसे, धनतेरस जो है हमारा, है ना, धनवंतरी है, कैसे कॉलबरेट करें इसको मर्करी, अश्वगंधा का अश्वगंधा। बट इसका एक और मैं तरीका बताता हूँ कि अश्वगंधा हो गया, या ऐसे आपको ना पता होना चाहिए आपको, है ना, कौन से ग्रह कौन से वो हर्ब्स को। ठीक दान देके। है, एक तो ये ऑप्शन है, बट ये अभी कंटेंट हम अभी लेने चाहिए तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा और इजी करता हूँ इसको। आप क्या करें कि मर्करी हमें पता है कि बच्चों को डिनोट करता है, छोटे छोटे बच्चे, करेक्ट। तो मर्करी अगर आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड है, तो आप ऐसे मेडिसिन को दो जो बच्चे लोग ले सके। क्या हो सकता है वो, है ना, ऐसे आयुर्वेद में ऐसे बहुत से ऐसे टॉनिक मिलते हैं, हम भी बचपन में लेते थे जब आश्रम में थे, तो महर्षि जी बोला करते थे कि हमें उनका एक, उस टाइम मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, मेडिसिन वो तो आता था, तो उसमें तीन चीजें मिक्स होती थी जो मेमोरी को बढ़ाने के लिए, ब्राह्मी ब्राह्मी शंख पुष्पी सारस्वत ब्राह्मी, शंख पुष्पी, और एक और होता था उसमें, तीन चीजें मिली होती थी। सारस्वत बोल के रहता हाँ, तो है। उनका एक मेडिसिन उस टाइम पे आता था, तो वो देते थे, क्योंकि वेद वेद पढ़ने वाले बच्चे होते थे, उनको सब कुछ कंठस्थ करना पड़ता था, है ना, तो ऊंचा वो च... ऊंचा ऊंचा देता है कुछ हाँ, लोग। तो मर्करी अगर एफ्लिक्टेड है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, हमको बच्चों को देना है, बच्चों को तो हर मेडिसिन ऐसे नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है, बट ऐसी चीजें आप दो जो उनके काम की हो। थर्ड मेडिसिन कौन सा बताया, ब्राह्मी शंख पुष्पी? सर ने बताया कि वचा भी दे सकते हैं, जो स्पीचिंग डिजर्ट्स रहता है ना, वाक
सुवर्ण वचन ओके सुवर्ण वचन भस्म स्वर्ण भस्म थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, थोड़ा क्या बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो ठीक है कौन सा स्वर्ण भस्म स्वर्ण सुवर्ण भस्म। वचन आप वची वची दे सकते हैं जी सर, हम तो सभी को सुवर्ण होता वचन हरेक को नहीं हो सकता है, थोड़ा कॉस्टली है। तो वच्ची क्या है वच्ची। अभी इसमें क्या है कि ये मैंने मरकरी का बताया, ठीक है, ऐसे आपको सारे ग्रहों के आपको करस्पॉन्डेंट आपको पता है कि क्या डिनोट करते हैं ना। सैटर्न है, सैटर्न किसको बताएगा, ओल्ड पीपल है ना, ओल्ड पीपल या लिंपिंग पीपल जिनके पैरों में दिक्कत है ना। तो अगर आपको सैटर्न शनि को आपको ठीक करना है, तो धन्वंतरी जयंती के दिन सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है कि जिनके पैरों में दिक्कत है उनको आप ट्रीट करें, है ना, या तो उनको ट्रीटमेंट करने का जो स्पॉन्सर बनता है वो स्पॉन्सर करें उसको आप, है ना, या खुद उनको ले जाके वैद्य के सामने बैठाए उनको ट्रीट करवाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। ये कुल मिला के आप जब उस पर्सन की आप हेल्प करते हैं, ठीक है, उसी दिन स्पेशली धन्वंतरी जयंती वाले दिन, ठीक है, वो भी किसको कर रहे हो आप, उस पर्सन को जो सैटर्न निरोध कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें चीजें इंप्रूवमेंट होंगी। आप समझ पा रहे हो पाए? तो रेमेडीज कोई ऐसा प्रीडिफाइंड पहले से आपको ग्रंथों में लिख के कोई नहीं गया है, थोड़ी सी आपको ज्योतिष पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको दिन का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, दोनों को चीजों को मिलाएं और रेमेडी हो सकती है। बट इसमें टर्म्स एंड कंडीशन या वार्निंग है ना, आप लोग वैद्य नहीं हो है ना, तो इसलिए इसको हमें कोई ऐसी चीजें मत दे देना जो पता लगा कुछ नुकसान हो जाए, वो नहीं करना है, ठीक है, भले एक इस बार कंसल्ट कर लेंगे, ठीक है, वो और ज्यादा एक बात ऐड कर सकता हूँ सर, हमारे साउथ लोग में अभ्यंजन स्नान करते हैं, अभ्यंग, तो आयुर्वेद में अभ्यंग का बहुत इम्पोर्टेंस ही रखता है। दिनचर्या में भी बता दीजिए अभ्यंगम आचार्य इत्यम ऐसा एक श्लोक भी है, तो और इसलिए उस तिल दिन का का तेल शनि शनि के लिए तिल का तेल का डोनेट भी कर सकते हैं, जो पूर्व लोग हैं जो आर्पेन जैसे आश्रमा है उन जगह पे भी तिल का डोनेट कर सकता है, वो भी शनि के लिए जरूरत है। नहीं, ठीक है, ये भी सब लोग लिख लेगा, ठीक है, तो उस दिन तिल का तेल भी डोनेट हो सकता है, ठीक सर है। कोई ऑइंटमेंट भी तो दे सकते हैं, मीन्स जो खाने से प्रॉब्लम ना हो तो लगाने वाला कुछ दे सकते हैं, मतलब ऑइंटमेंट लाइक कोई ट्यूब हाँ, तिल से तिल अप्लाई। से बना हुआ ऑइंटमेंट दे सकते हैं मेरे मैडम जी, तिल तिल से जो तिल का बेस रख के, यानी तिल तेल से बेस रख के जो कुछ ऑइंटमेंट बनता है अब दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं ओपन। हाँ, ये बस चलिंग अबाउट अभ्यंगा, तो वो अभ्यंगा हम कर सकते हैं हम भी, नहीं सेल्फ खुद अभ्यंग करा दीजिए, खुद करा दीजिए। एक्चुअली आयुर्वेद वही बोलता है, रेक को रोज अभ्यंग करने के लिए बोलता है। ओके सर, राइट राइट, आप थैंक इन अगर आप उस दिन कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल यू। कर सकते। सच में एक्चुअली उस दिन बिल्कुल करना चाहिए, वो नियम ही है एक्चुअली। सो हरेक जो फेस्टिवल मनाता है वो आयुर्वेद हिसाब से ही रखा हुआ है, जो शायद मकर संक्रांति संक्रमण और हम तिल और गुड़ लेते हैं वो क्यों लेता है, वो भी एक रेमिडी है। तिल यानी वो शनि का शिशिर ऋतु शनि का संबंध रखता है, तिल शनि का शांति करने के लिए और इंटरनली हमको गर्म रखने के लिए, तो ऐसा सब कुछ साइंटिफिक ही है, जो हमारा बुजुर्गों ने जो आहार विहार औषध रूप सब जो आचरण रखा है वो सभी आयुर्वेद और ज्योतिष के हिसाब से बहुत बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से है। सही है, ठीक है, तो ये दिन सबको समझ में क्लियर हो गया, ठीक है, धन्वंतरी हमको जयंती इस तरीके से मनाना, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा फिर अब ये है कि इसमें 29th को बताया, बट 30th को हमारा सूर्योदय का टाइम पे ये तिथि एग्जिस्ट करती है, तो टेक्निकली हमको 30th को मनाना चाहिए, ठीक है, और कुछ लोग 29th को भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष हमको 30th को ये चीज करनी चाहिए, क्लियर। सर लेकिन ये जो दीपदान करेंगे ना उसमें त्रयोदशी चाहिए, ओके तो 30th को त्रयोदशी नहीं है, दीपदान तो इवनिंग ही होगा ना शाम को।
समझा नहीं, दोबारा दोबारा बताइए। जो दीपदान करने का है वो इट शुड बी ऑन द त्रयोदशी होना चाहिए, वो 30 तारीख को दोपहर को त्रयोदशी खत्म हो रही है, तो दीपदान तो चतुर्दशी को हो जाएगा। तो नहीं, दीप दीपदान अभी क्या कि हमें ये पता है कि दीपदान हमारा होना चाहिए, हमारा क्या बोलते हैं त्रयोदशी को, करेक्ट? नहीं, करेक्ट, त्रयोदशी को, यम दीपदान त्रयोदशी को होना चाहिए। बोल रहे हैं त्रयोदशी को होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है, अभी मैं इसमें आता हूँ ना। अभी दीपदान जैसे ये जो मैंने आपको अभी दोनों दिन का बताया, ठीक है, टेक्निकली हमको दोनों हमको एक ही दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, करेक्ट? अब क्वेश्चन ये है कि जो वो हमको इवनिंग में करना है, ठीक है, इवनिंग में तिथि भी होनी चाहिए, यही तो हुआ प्रॉब्लम, ठीक है। तो दीपदान और वो दोनों चीजें जो है हमको करना हमको उसी दिन ही है 30th को ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इवनिंग में भी कर सकते हैं, भले वो तिथि चेंज आपको आपको दोपहर में हो जाएगा, ठीक है, पर नेक्स्ट डे हमारा दिन जब सूर्योदय होगा तो हमारा वो तिथि काउंट होगा नेक्स्ट वाला। अभी क्या है कि 30th को हनुमान जयंती भी करते हैं, ठीक है, तो उस सेम डे पे आपका एक नहीं आपके दो तीन फेस्टिवल्स आपके मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से आपको चलना है तो वो सेम डे ही आपको ये धन्वंतरी जयंती भी पड़ेगा, हनुमान जयंती भी हमको कभी करना चाहिए, और ये भी दीपदान वाला भी सेम डे ही सेलिब्रेट होगा। तो ऑप्शन नहीं, हम करें क्या, वो दिन मर्ज हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। हनुमान जयंती में क्या करना है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है आपको, बस नॉर्मली आप लोग करते हैं हनुमान पूजा, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 108 बार करिए एटलीस्ट, पॉसिबल है तो, ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट 11 बार जरूर करो। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, ठीक है। अब वो आपके लोकल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ये चीज वेरी करेगा, बहुत लोग इसमें बतासा और चोले और वो सब चीजें चढ़ाते हैं, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, जैसा आप मनाना चाहे वैसा करें। तो हनुमान के ऊपर आपके पास काफी कुछ ऑलरेडी है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल हम जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है।